नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाना शेक बनाने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बनाना शेक बनाने के लिए मैंने बनाना ले लिए हैं और दूध भी ले लिया है। तो दोस्तों ये मैं दो ग्लास यानी दो लोगों के लिए बनाना शेक बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने 4 से 5 केले ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं और बिल्कुल पके हुए केले हैं। और ये मैंने एक कटोरी में दूध ले लिया है, तो ये हमारा करीब 1.5 पाव यानी कि 350 ग्राम दूध है। तो दोस्तों हम बनाना शेक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने केलों के छिलके उतार लेंगे और उनकी स्लाइस कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने केले के छिलके उतार लिए हैं और उनके स्लाइस भी कर दिए हैं। तो हम शेक बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों हमने मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें हम सारे केले डाल देंगे और जो हमने दूध निकाल रखा था बाउल में वो सारा हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों हमारे केले इतने पके हैं कि इसमें हमें चीनी की ज़रूरत नहीं है, हमारे केले से ही ये हमारा जो है कि शेक मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी और मीठा इसे पीना पसंद करते हैं तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद जो है कि फ़ायदेमंद होता है। तो मैं बिना चीनी और बिना शहद के ही बना रही हूँ क्योंकि हमारे केले ऑलरेडी काफ़ी मीठे हैं। तो हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छे से इसका घोल बना लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में हमने जो है कि अपने केले और दूध को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो हमारा बनाना शेक बिल्कुल रेडी है। दोस्तों बनाना शेक बनाने के लिए आप अगर बिल्कुल चिल्ड दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बनाना शेक बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर आपके पास चिल्ड दूध नहीं है तो आप थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम अपना बनाना शेक सर्व करते हैं। तो दोस्तों हम इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बनाना शेक बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। तो दोस्तों बनाना शेक बनाने का मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये सारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।